नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं हमेशा ही नए नए विषय आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आज का जो विषय है वो है नॉर्थ फेसिंग घर। आपका अपना नॉर्थ फेसिंग घर बना हुआ है, आपके प्लॉट का साइज छोटा है, 60 मीटर का है, 80 मीटर का है, 50 मीटर का है। ऐसे में आप ज़्यादा कुछ तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हर व्यक्ति को रहने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर चाहिए। वो सही बनती है तो ठीक है, गलत बनती है तो ठीक है। आपका घर नॉर्थ फेसिंग है और आपके घर का जो गेट है वो नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की ओर बना हुआ है। आपकी स्टेट्स नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनी हुई है। फ्रंट के भाग में यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपका ड्राइंग रूम बना हुआ है। साउथ साउथ ईस्ट के भाग में आपका अपना बेडरूम है और साउथ वेस्ट के भाग में आपकी अपनी किचन है। सेंटर के भाग में आपकी अपनी लॉबी आती है और ईस्ट के भाग में आपकी अपनी टॉयलेट आती है। कहीं ना कहीं आपके यहाँ नॉर्थ वेस्ट में बनी हुई स्टेयर्स के कारण आपसी झगड़े भी बने रहते हैं, कोर्ट केस होने के कारण भी बनते हैं। और इसी के साथ जो आपकी अपनी किचन साउथ वेस्ट के भाग में बनी हुई है, ये किचन भी वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। यहाँ पर किचन आने से घर के अंदर झगड़े होने के कारण बनते हैं। दूसरा कारण ये बनता है कि आपका जो रूम बनता है जहाँ आप सोते हैं वो साउथ प्लस साउथ ईस्ट के भाग में बनता है। यहाँ पर सोने वाला व्यक्ति भी गुस्सेल बन जाता है, बात बात पर झगड़ा करने के लिए वो तैयार रहता है। जो भी व्यक्ति इस रूम में सोता है उसको किसी की भी बात पसंद नहीं आती। वो व्यक्ति सिर्फ अपनी बात कहना जानता है, दूसरे की बात सुनना नहीं जानता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी स्टेयर्स नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनी हुई है, छत के ऊपर यानी टेरिस पर जाने के बाद आपके नॉर्थ वेस्ट के भाग में ममटी बन जाती है और ममटी बनने के कारण आपके पूरे घर का नॉर्थ वेस्ट का भाग ऊंचा होता है, जिसके कारण कोर्ट केस झगड़े दुश्मनी होने के कारण बन जाते हैं। आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर जो आपकी अपनी ममटी नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट तक के भाग में बनी हुई है, इसी से टच करता हुआ पूरा एक रूम साउथ के भाग में बनाए, जो कि साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक कंप्लीट बनाना है। ऐसा करने से आपकी समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। आप परेशान हैं तो आप ये रूम जरूर बनाएं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर पूरा रूम नहीं बना सकते तो आप कम से कम जो आपकी अपनी किचन बनी हुई है, किचन के ऊपर एक छोटा रूम जरूर बनाएं। उसकी हाइट आपकी अपनी ममटी से ऊंची होनी चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्या का हल कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आपने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है या आपने अपना शोरूम खोला हुआ है या दुकान खोली हुई है या ऑफिस खोला हुआ है या आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो संबंध है वो अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। हर व्यक्ति आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगा सिर्फ अकेला एक रूम बनाने से। इसलिए मैं आपको बार बार प्रेशर दे रहा हूँ कि आपने साउथ वेस्ट के भाग में एक रूम जरूर बनाना है। जब भी जो भी व्यक्ति साउथ वेस्ट के भाग में रूम बनाता है, उस व्यक्ति के काम एक एक करके बनते चले जाते हैं। ऐसा वास्तुशास्त्र भी कहता है और मेरा अपना अनुभव भी कहता है। आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपके अपनी स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स की चारों तरफ की दीवार पर आपने व्हाइट कलर का पेंट करना है। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका अपना घर बना हुआ है और आप परेशान हैं, आपकी समस्याओं का हल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप निसंकोच होकर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपनी साइट के लेआउट पर वास्तु सलाह ले सकते हैं। यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार आप हमारे यहाँ से वास्तु के अनुसार नक्शा बनवा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।